नमस्कार किसान भाइयों, आशा है कुशल मंगल होंगे। मित्रों बहुत सारे किसान भाइयों के जो आलू के सैंपल, फसलों के सैंपल मैंने देखे, जो आपने वीडियोस भेजे हैं, फोटोज भेजे हैं, तो एक कॉमन समस्या है। कुछ किसान भाइयों ने नाम लिखकर भेजा है, कमेंट भी भेजे कि परपरा रोग का क्या इलाज है। दोस्तों साइंटिफिक लैंग्वेज में देर इज नो परपरा रोग। परपरा तो कुछ नहीं होता, लेकिन परपरा जैसा एक पर्पल कलर का जो रंग पत्तियों का हो जाता है, उसको आप लोग परपरा कहते हैं सामान्य भाषा में या क्षेत्रीय भाषा में। अब परपरा या जो ये परपरा होता क्या है और कैसे इसका क्या प्रभाव पड़ता है फसलों पर, आज इसकी चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजरज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, जो भी नए किसान भाई हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके काम से या आलू और अन्य फसलों से रिलेटेड माइक्रोन्यूट्रेंट्स, फसलों के भाव, फसलों में जो है ठंड का प्रभाव किस तरह से बचा जाए पाले से, माइक्रोन्यूट्रेंट्स की कमी से, आपके माइक्रोन्यूट्रेंट्स, माइक्रोन्यूट्रेंट्स के साथ साथ फर्टिलाइजर्स और जो है बहुत सारी चीज़ें आलू और अन्य फसलों से संबंधित हम समय समय पर आपको देते रहते हैं, तो देखने उसके लिए आपको समय पर जानकारी मिल जाए। क्योंकि कई किसान भाइयों ने कई बार ऐसे क्वेश्चन भी किए जिसके बारे में एक बार नहीं, दो चार बार बता चुका हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ही दबा लें, जिससे कोई भी वीडियो जब भी मैं डालता हूँ आप पर तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो सबसे पहले दोस्तों बात हम परपरा रोग या जो जिसको कहेंगे पर्पल कलर की पत्तियां होना, उसकी बात करते हैं। तो ये दोस्तों कोई रोग नहीं है, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का डिसबैलेंस है। डेफिशिएंसी नहीं कहेंगे, डेफिशिएंसी क्यों हो रही है उसका भी मैं आपको कारण बताता हूँ। वास्तविक तौर पर जो पोटेशियम और मैग्नीशियम का डिसबैलेंस होता है, देखिए दोस्तों बहुत सारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का असंतुलन, डिसबैलेंस का मतलब असंतुलन जो होता है, वो हमारे द्वारा असंतुलित रूप से फसलों में खाद और उर्वरक को देने के कारण होता है। बहुत सारे किसान भाई लाख समझाने के बाद भी दावा ठोकते हैं कि हम तो ऐसे करते हैं, हमें कोई नुकसान नहीं होता। हो सकता है पहली बार में कोई नुकसान ना हो आपको, लेकिन हमें फसल एक बार ही नहीं करनी, बार बार करनी है। इसलिए हमें संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों को देना अति आवश्यक होता है। मित्रों डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट जो आप बेसल डोज के रूप में देते हो, शुरुआत में देते हो, उसकी ज़्यादा मात्रा देने पर, क्योंकि फास्फेट वहाँ हम फास्फेट की पूर्ति के लिए फास्फेट दे रहे हैं, फास्फेट और जिंक का आपस का ऐसा रिलेशन होता है कि जैसे ही मूवी के अंदर फास्फेट की मात्रा बढ़ेगी, उसमें जिंक की मात्रा कम हो जाएगी। इसी प्रकार आयरन और मैग्नीज का जो है दोस्तों एक दूसरे के साथ ऐसा रिलेशन होता है कि मैग्नीज की मात्रा बढ़ेगी तो, जैसे हम आयरन की मात्रा बढ़ाते हैं तो मैग्नीज की कम हो जाएगी, और मैग्नीज की बढ़ेगी तो आयरन की कम हो जाएगी। उसी प्रकार पोटेशियम और मैग्नीशियम का रिलेशन होता है मित्रों, कि अगर हमारे खेती के अंदर हमने पोटास बहुत अत्यधिक मात्रा में दे दिया तो बाद में मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो जाएगी, और मैग्नीशियम अत्यधिक मात्रा में चला गया भूमि के अंदर तो पोटेशियम डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसलिए हर प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का संतुलित मात्रा में देना जरूरी होता है। दोस्तों जैसा कि मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं कि पोटेशियम की डेफिशिएंसी शुरुआत होती है नीचे की पत्तियों से। निचली पत्तियों में सबसे पहले पीलापन आता है, फिर किनारे उसके, पीलापन जरूरी नहीं, पीलापन बाद में भी आ सकता है, सबसे पहले किनारों से जो है मुड़ना या हल्का सा जलना सा महसूस होता है, किनारे जलते जाएंगे जिस तरह से आपको देख रहे हैं, और धीरे धीरे ये पत्ती पीली पड़ती जाएगी और निचली पत्तियां पीली पड़ करके मरने लगेंगी। और जो है अगर हम बात करें पूरी फसल पर असर की, तो पोटेशियम दोस्तों परिसंचरण का काम करता है, यानी पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाना और जो है डिस्ट्रीब्यूशन करना, यानी कि कहाँ पर उसको संग्रहण करना है, यानी जो आप ट्यूबर्स की फॉर्म में आलू कोई फसल लेते हैं, प्रोडक्ट को लेते हैं, तो ट्यूबर्स का मेंटेनेंस या वहाँ पर संग्रहण करना, ये काम पोटेशियम का है। अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपके ट्यूबर्स के अंदर भी वो शो हो सकती है, ट्यूबर्स का टिप पार्ट काला हो सकता है,
और जो है छोटे रह सकते हैं, पूरी तरह से फसल तंदुरुस्त या दुरुस्त नहीं होगी। इसी प्रकार अगर पोटेशियम कहीं ज़्यादा पड़ गया था, या और भी कारण हो सकते हैं दोस्तों, भूमि का अम्लीय होना ये भी एक कारण हो सकता है, पानी का ज़्यादा भरा रहना ये भी एक कारण हो सकता है इनकी डेफिशिएंसी का, बरसात हो जाना ज़्यादा ये भी एक कारण हो सकता है। तो एक कारण नहीं है, कई कारण हो सकते हैं। अब मान लो मैग्नीशियम, अब इसके दूसरी बात करते हैं मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की। तो पोटेशियम की डेफिशिएंसी से पत्तियां जो है जलनी सी काली सी प्रतीत होती हैं, और वहीं मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से पर्पल कलर, जो परपरा कहते हैं, दोनों एक साथ पोटेशियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी दोनों से ही परपरा आता है। तो पत्तियों का बीच का भाग, यानी कि जो पत्तियां नीचे में ज्यादा सन्नी दिखेगा और नई पत्तियों पर ज्यादा सन्नी दिखेगा, बीच की जो पत्ती है पौधे की उन पर बीच में सबसे पहले पर्पल कलर आएगा, फिर वो छींटे छींटे से हो जाएंगे, चित्ती सी हो जाएंगी, और वो स्क्रैच टाइप के बैगनी रंग के धब्बे हो जाएंगे, और सिराएं तो हरी होंगी लेकिन बीच का भाग पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, और फिर जलना हो जाएगा, ऐसा लगेगा ऐसे जल गया, जिसको बाद में जो है, क्योंकि पत्तियां कमजोर होने से, मौसम विपरीत परिस्थितियां होने से, टेम्परेचर डाउन होने की वजह से फिर फंगस अटैक होता है उस पर दोस्तों। तो ये कहना कि केवल कभी जैसे आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई और सिर्फ हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे दें और परिस्थितियां विपरीत हैं, टेम्परेचर डाउन है, कोहरा छाया हुआ है, बादल छाए हुए, तो फंगस अटैक भी होगा। और जब हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे दिया है और उसी समय फंगल अटैक हो गया है, तो ना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का तो फायदा होगा नहीं दोस्तों, पौधा बीमार हो जाएगा और फिर ब्लाइट आएगी और आपकी फसल नष्ट हो जाएगी। कुछ वीडियोस में आपको फिर दिखाऊंगा कि हमारे क्षेत्र में जो फसलें खराब हुई उसमें क्या कारण रहा, वो पूरा क्लियर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कोई दुकानदार की कमी दिखा रहा है, कोई किसान की कमी दिखा रहा है, और मैं आपको कोई नकली बता रहा है कि नकली दवाइयां मिल गई, ऐसा नहीं हुआ है। मैं पूरा उस पर पहले अपनी तरफ से संतुष्ट हो लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ वास्तविक क्या कारण है उसका। वो वीडियो हम आपको बाद में देंगे, क्योंकि अभी आप अपनी फसल की सुरक्षा कीजिए दोस्तों। तो अब जब आपको ये कंफर्म हो गया है कि पत्तियां बैगनी रंग की हो रही हैं, सिकुड़ भी सकती हैं, मुड़ भी सकती हैं, पीली पड़ सकती हैं, छींटे भी आ सकते हैं, तो आपका वो परपरा डिसीज कहलाएगी। बाद में आपने उसको नाम दे दिया क्षेत्र में परपरा। और कुछ पत्तियां कड़ी कड़क ऐसी भी हो जाती हैं जिनको हम तोड़ें तो वो आसानी से टूट जाएंगी, कड़क कड़क की आवाज भी आएगी। ये दो डेफिशिएंसी हो गई। तीसरी है दोस्तों मैग्नीज की कमी, इससे भी परपरा कह सकते हो आप मैग्नीज। अब मैग्नीज और आयरन में एक दूसरे का कंफ्यूजन होता है दोस्तों, वही कमी आयरन की डेफिशिएंसी शो करती है पत्तियों पर, काले रंग के बीच की पत्तियों पर। जब आप पौधे को देखेंगे तो नीचे से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो किनारे पर पत्तियों पर छींटे से काले काले छींटे दिखाई देंगे। ये छींटे आयरन, शुरुआत में तो ऐसा लगेगा कि आयरन की कमी भी हो सकती है, लेकिन वास्तविक जब वो छींटे और ज़्यादा मात्रा में बनकर के पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, आयरन की कमी में पीली नहीं पड़ेंगी, और जब पत्तियां पीली पड़ जाएंगी तो आप समझ लें कि ये मैग्नीज की कमी है। अब ये तो आपने डिसाइड कर लिया कि अब ये इसकी वजह से ये कमी। आप स्वयं पूरी तरह से मेरे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी फसल का सही सही प्रयोग कर सकते हैं। अब मान लो रोग आ गया है, पत्तियां कमजोर हो गई, काफी दिन हो गए, आपने शुरू में ध्यान नहीं दिया, अब यहाँ पर फंगल अटैक का, क्योंकि इन दिनों में जब ये रोग आता है तो उसी रोग भी उसी कारण से आता है दोस्तों, नमी ज्यादा की वजह से हो सकता है, मैंने आपको कारण पहले बता दिए। अब उस समय ही फंगस का अटैक आता है, दोनों ही साथ साथ अटैक करते पैरल। तो सबसे पहले आप किसी अच्छे फंगीसाइड का रोग को देख करके, कौन सा चल रहा है आपके क्षेत्र में और उसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं, तो उसका प्रयोग करेंगे। और एक बार आप साइकिल में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या ब्लू कॉपर का भी स्प्रे का एक शेड्यूल बनाइए, क्योंकि कॉपर भी एक माइक्रोन्यूट्रेंट है और इसकी डेफिशिएंसी से पत्ते का हरा रंग कम हो जाता है। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम क्योंकि हरित लवक बनाने का मुख्य तत्व है, हरित लवक में पाया जाने वाला, तो मैग्नीशियम की कमी से पत्तियों का हरा रंग गायब हो जाएगा, भोजन बनाना कम कर देंगी पत्तियां, भोजन जब नहीं बनेगा तो फिर तो सीधी सी बात है ट्यूबर छोटे रह जाएंगे, ट्यूबर नहीं बढ़ पाएंगे, ट्यूबरों की संख्या भी कम रह सकती है। संख्या तो आपका फास्फोरस बना देगा लेकिन उसके लिए फलने फूलने का काम मैग्नीशियम करेगा, क्यों, मुख्य काम भोजन बनाने का है। और मैग्नीज जो तो माइक्रोन्यूट्रेंट है वो इनकी सिराओं को नष्ट कर देगा धीरे धीरे करके। तो जब इस तरह से इन सबका जो है एक ही उपाय है, बढ़िया से माइक्रोन्यूट्रेंट्स का आप स्प्रे करें, सबसे पहले फसल की सुरक्षा करें एक अच्छा फंगीसाइड लगाने के बाद दोस्तों, उसके 4 या 5 दिन बाद आप
अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे कर सकते हैं। मैंने तो आपको पहले बता चुका हूं, फिर से बता दे रहा हूं, आप मैग्नीशियम की अगर डेफिशिएंसी शो हो चुकी है तो आपको कम से कम 250 से 300 ग्राम चिलेटेड मैग्नीशियम लेना होगा, क्योंकि उसके साथ हम दूसरी चीजें भी लगा रहे हैं। और अगर कमी नहीं है तो शुरुआत में अगर आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे कर दिया तो मैं पहले बता चुका हूं फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट आप लगा सकते हैं, और बैंगनी सल्फेट सल्फेट की फॉर्म में, तो बहुत अच्छा काम करता है। और अगर आप यहाँ पर, क्योंकि समय जो है अगर 60 दिन के आसपास का है तो उस समय आपको एनपीके 05234 का भी स्प्रे करना होता है, तो अगर आपको एनपीके 05234 भी स्प्रे करना है साथ में, तो आप सल्फेट की फॉर्म में कोई भी साल्ट ना ले, आप केवल चिलेटेड फॉर्म में ले, तो उसमें आप मैग्नीशियम सल्फेट अगर कमी है तो 250 से 300 ग्राम, कमी नहीं है तो 200 ग्राम मैग्नीशियम चिलेटेड मैग्नीशियम लेंगे, और उसी तरह से करीब 200-250 ग्राम ही आप चिलेटेड आयरन लेंगे, 250 ग्राम तक ले सकते हैं चिलेटेड आयरन, और उसके बाद 100 ग्राम मैग्नीज लेंगे चिलेटेड फॉर्म में, और जिंक भी ले सकते हैं क्योंकि जिंक की कमी से भी पत्तियां छोटी छोटी रह जाती हैं और हरापन भी कम हो जाता है, और इसमें जिंक ले लेंगे, और इन सबको बोरोन भी ले सकते हैं आप जो है हाइड्रेटेड बोरोन 20% में, इन सब के साथ जो बोरोन की मात्रा भी 100 से 200 ग्राम होती है, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं कमियां शो करते हैं, उसी की वजह से आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी लगातार शो हो रही है। तो ये आप एक बार स्प्रे कर देंगे, और निश्चित रूप से 1 kg आप एनपीके 05234 ले लिया और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ले लिया, बोरोन ले लिया, और इसका बढ़िया 200 लीटर पानी, कम से कम 200 से 250 लीटर पानी लेकर के अच्छी तरह से फसल पर स्प्रे कर देंगे, तो देखेंगे कि आपकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी खत्म हो गई है और आपके फसल में भी इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिखाई देगा। आपके ट्यूबर्स की संख्या बड़ी तो होगी और उसके ट्यूबर्स का साइज और शेप भी मेंटेन रहेगा, और ट्यूबर का पर अद्भुत चमक भी आएगी। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैं फिर आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अलग अलग बारे में, किस किस कंपनी का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके लिए बेहतर है उसकी जानकारी एक अलग वीडियो में देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।